वेलकम। इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, इसमें आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है। आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये एक रिवर्सल के लिए रेडी हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ से जो मूवमेंट थी, रिट्रेसमेंट कुछ भी नहीं था, ये मूवमेंट आई सेल। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये रिवर्सल है? यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा या और भी फॉल होगा? प्लस हम लोग एक दो चीज देखेंगे। फर्स्ट एक ओवरव्यू देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। सेकंड, आने वाले कल के सेशन में मार्केट में अपसाइड मोमेंटम होगा या फिर डाउन साइड होगा, तो सपोर्ट लेवल कहाँ है, ये सारी चीजों के आंसर सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए और भी थोड़े हाइयर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। 1 वीक के चार्ट पर आएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इस हाई के बाद मार्केट ने एक फॉल दिया और ये है एक सपोर्ट, इससे पहले ही रिट्रेसमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से क्या, देखिए एक सिंगल कैंडल से रिवर्सल को आप नहीं डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उस रिवर्सल के पीछे रेंज होना चाहिए। यहाँ इसके पीछे यहां पर रेंज नहीं था, लेकिन इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत रेंज है, तो एक मे बी पुल बैक आ सकता है, लेकिन फिर से थोड़ा सा और ऊपर मार्केट जाएगा। इस एरिया से डिसाइड होगा 4000 के लेवल से। अगर इसके ऊपर आ गया तो ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं तो फिर से डाउन साइड की वो। तो ये तो चलिए पोजिशनल वाली बात, नेक्स्ट सेशन में क्या पॉसिबिलिटी है उस पर बात करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग आए तो एक चीज क्लियर है कि मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट हुई। ठीक है, डाउन साइड के मूवमेंट के बाद आप देखें कि इस लेवल से यहां तक मार्केट आया। ठीक है, और ये जो मूवमेंट हमें दिख रहे हैं, अब यहां पर हर एक लोग यहां पर किस चीज के लिए हैं कि यहां से एक ब्रेकआउट आएगा, यही है। अब यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होने के चांसेस हो गए। अब देखिए कि यहां पर क्या दिख रहा है हमें, कि मार्केट में एक ब्रेकआउट सिनेरियो हमें विजिबल है यहां पर। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहां से रेडी हो रहा है अपसाइड के लिए। क्लोजिंग आप देखिए कि कितने लेवल पर हुई है, 3850, 3850। तो अब यहां से अगर इस, यहां पर रेसिस्टेंस एरिया है ये वाला, अगर इसको मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है यहां पर, तो और भी ज्यादा लोग यहां पर अब सोचेंगे कि ठीक है, उनके टारगेट्स कहाँ होंगे, यहाँ पर, यही वो रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर बुक करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कि करना क्या है, इसी का अपोजिट आपको देखना है कि ये एरिया देखिए एक रेंज है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है, इसके ऊपर अगर होल्ड है, ये रेसिस्टेंस अगर सपोर्ट की तरह काम करता है, होल्ड है और बाउंस बैक है, तो आप यहां तक के टारगेट्स पहुंच सकते। लेकिन अगर ब्रेकआउट है और होल्ड नहीं करता है, वापस आ गया, तो फिर से डाउन साइड की मूव। इसके अगर नीचे आए तो क्या, देखिए नीचे भी आए तो ज्यादा से ज्यादा पुल बैक ले सकता है और उसके बाद फिर से अपवर्ड मोमेंटम। ठीक है, तो आप अगर ट्रेडर हैं तो इस लेवल पर ध्यान देना है। यहां अगर ब्रेकआउट के बाद होल्ड है तो अप मूव हो सकता है, अगर ब्रेकआउट फेल है तो यहां से यहां तक के ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। ये अगर ब्रेकडाउन है तो 3720 तक आप आ सकते हैं, लेकिन यहां से फिर से पोजिशनल जो ट्रेडर होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे ट्रेंड को चालू करने के लिए। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है, कंसर्न में ईमेल। थैंक्स वॉचिंग।